नमस्कार। जिंदगी की वास्तविकता को जानने के लिए धर्म के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हम अपनी ज्ञान की पुस्तकों के माध्यम से उनकी वाणी को जानकर जीवन में एक नई चेतना और एक नई जागृति का संचार करते हैं, लेकिन उन वाणियों को समझाने के लिए, उन ग्रंथों के सार को समझाने के लिए सदैव संतों का समागम जरूरी है। बिना संतों के वह जो वाणियां हैं या वो जो पुस्तकों में जो लिखी गई बातें हैं, वो हम जैसे जनमानस तक पहुँचने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। जब संत का समागम होता है तो संत अपने मुखारविंद से, अपनी हसमुख शैली से हम जैसे भक्तों को उन वाणियों को पहुँचाते हैं और जीवन जीने की सार्थकता बताते हैं। हम बात कर रहे हैं डिब्रूगढ़ पर लगभग 4 महीने पहले जिनका आगमन हुआ, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज, जो कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च जैन जगत के आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य हैं, और उस गुरु ने भी कई अपने ज्ञान से कई जनमानस को, कई लोगों को धर्म की तालीम दी और उनके अनुयायी बने बहुत सारे लोग। उनमें से कुछ लोगों ने धर्म की राह पकड़ी, उसमें से हैं मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज। लगभग 13 वर्षों पहले इन्होंने इस दिगंबरत्व दीक्षा को धारण किया और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल की, तो लगभग 2 वर्षों से ये पूर्वांचल की अलग अलग जगहों पर अपने चरणों को, अपने कदमों को रखते हुए पूर्वांचल की धरा को सुनहरा और सोने की जैसे बना रहे हैं। 29 जून को तेजपुर से रवाना होकर लगभग 350 किलोमीटर की पद यात्रा गुरुदेव ने 18 जुलाई को समाप्त की और डिब्रूगढ़ में इनका भव्य आगमन हुआ। 25 तारीख को मंगल स्थापना, चतुर्मास का जो मंगल कलश स्थापना है वो हुआ और भक्ति की लहर डिब्रूगढ़ में दौड़ पड़ी। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, निश्चित है कि जिस पथ को आपने पकड़ा है, जिस पथ पर आप चलते हैं, वो बड़ा कठिन है। उसको पाना या उस पर चलना हर किसी व्यक्ति विशेष के लिए इतना आसान नहीं है। अगर हम आपकी अगर दैनिक क्रिया को भी अगर पूरा कर पाते हैं एक दिन में, तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है। इस तरह की जो आपकी जो दैनिक क्रिया है, एक दिन से एक बार आहार लेना, प्रातःकालीन से पूजा अर्चना करना, लोगों को, भक्तों को ज्ञान देना, शाम के समय वापस प्रवचन करना, और भी बहुत सारे जो एक संत के कार्य होते हैं वो आप करते हैं। तो इस कार्यक्रम से हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पूर्वांचल का जो आपका दौरा रहा, जो पूर्वांचल में आप भ्रमण कर रहे हैं, और आपकी दैनिकचर्या के बारे में। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार आसाम का प्रवेश द्वार, जिसे बक्सी घाट कहते हैं, आसाम का प्रवेश द्वार है। हाँ, 2022 में हमसे प्रवेश करके धीरे धीरे विहार करते हुए नलवाड़ी चतुर्मास हुआ 2023 में, 2024 में, 23 में फिर विहार करते हुए आगे आते आते आज 2024 में डिब्रूगढ़ में विहार चतुर्मास हुआ। साधु की दिनचर्या सुबह प्रातः 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। 4 बजे सोकर उठना, अपने इष्ट की आराधना करना, सामयिक जिसे कहते हैं सामयिक, अपने स्वप्न में भी, नींदों में भी कोई गलतियाँ हुई हों, स्वप्न भी आए हों, तो उनका प्रायश्चित करना, उसे कहते हैं प्रतिगुण। स्वप्न रात्रि के सोते समय कोई भी गलती हुई तो उसको वो प्रतिगुण करना, वो करना। उसके बाद फिर प्रातः स्तुति भगवान की वंदना करना, प्रवचन आदि करना, फिर उसके बाद अपना स्वाध्याय आदि करना। इस तरह से वो प्रक्रिया चलती रहती है पूरे समय। 10 बजे आहार आदि प्रक्रिया को जाना, 12 बजे से फिर सामयिक की प्रक्रिया में पहुँचना, 3 बजे तक स्वाध्याय आदि करना, फिर 3 बजे से भक्तों को दर्शन देना, 4 बजे से क्लास वर्क आदि जो लेते हैं वो लेना, वो पुनः 6 बजे प्रतिगुण सामयिक प्रवचन, फिर रात को फिर सामयिक वैवृत्ति। इस तरह से 11 बजे तक साधु अपने आप को ईश्वरिया में ढाला रहता है, वो पुनः फिर पुनः ये चालू हो जाता है। तो गुरुवार आपने अपनी दैनिक क्रिया के बारे में बताया, एक जैन संत की जो दैनिक क्रिया होती है उसके बारे में बताया। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कि पूर्वांचल की धरा पर जैन संतों का विचरण बहुत कम होता है, पहले तो जैन संत आते ही नहीं थे, अब उनका आना हुआ है, तो इसके बारे में आप अपने विचारों को, इस पूर्वांचल की धरा पर जब आए तो
तो आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या आया, इसके बारे में बताए और किस तरह से आपके कदम इस तरफ बढ़े। किस कारण से साधकों साधु की चरियाएं जो रहती हैं वो जहाँ पर पलती हैं साधु अधिकतर वहीं विहार करते हैं। तो जब यहाँ पूर्वोत्तर में आए तो देखा कि यहाँ पे हरियाली बहुत है। अच्छा। हाँ, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। साधु को शुद्धि के लिए स्थानीय भूमि की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ जगह 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 घास हरियाली है, ये साधु इस एरिया में कम विहार करते हैं। दूसरा, इस पूर्वोत्तर में साधुओं की धर्म का प्रचार कम होने से लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। वो समझ नहीं पाते, वो साधु समझते कोई नंगा है, कोई पागल है, अथवा कोई असली अश्लील व्यक्ति जो का प्रचार कर रहा है, ऐसा समझते, जबकि उनको ये नहीं पता कि दिगंबर साधु ये प्रचार कर रहा है कि कपड़ों में ही वासना छुपी है। अच्छा। व्यक्ति के अंदर जब वासना होती है वो कपड़ा पहनता है, जो वासनाओं से रहित हो जाता है, जो वासनाओं से अतीत हो जाता है, उसे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, वो नग्न भी सबके सामने रह सकता है। प्रकृति जैसे, प्रकृति में जैसे आया था, जब बालक छोटा होता है उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, चाहे कोई स्त्री आए, चाहे बेटी आए, कोई भी आए, उसके सामने कोई भी खड़ा रहे, उसके अंदर विकार नहीं, वो प्रकृति में जीरा। तो साधु ये संदेश देता है बिहार करके पूरे देश में कि जैसे छोटा बालक होता है वो अपने आप में विकारी भाव से रहित होता है, इसलिए अंदर उसके अंदर कोई विकार नहीं आते। ऐसी साधु जब विकारी भावों से रहित हो जाता है, सबके प्रति सम दृष्टि बना लेता है, वह भी नग्न होकर जी सकता है और जगत के विकारों से दूर रह सकता है। पूर्वोत्तर में इस बात का प्रचार नहीं रहा, इसी लोगों में इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहा। कई कई क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कत होती है, उनको लगता है कि कैसे नग्न व्यक्ति रहता है, कैसे नग्न नहीं, इससे हमारी महिलाओं का भाव खराब होगा। भाव व्यक्ति के नग्न रहने से खराब नहीं, स्वयं के परिणाम खराब होते हैं। तो वह व्यक्ति नग्न रहे चाहे ना रहे, व्यक्ति देखकर भाग जाते हैं। आज लोग भाग रहे हैं तो क्या उन नग्न व्यक्तियों के साथ थोड़ी ना भाग रहे हैं, उनको देखकर थोड़ी भाग, वो तो कपड़े से व्यक्ति देख के साथ भी भाग रहे हैं। सही बात। तो विकार तो कपड़े उतने ही होने से, कपड़े होने से संभव नहीं, विकार तो अंदर के परिणाम है। वो तो जिसके अंदर रहेगा वो कपड़े वाले को देख कर भी विकार उत्पन्न कर लेगा, और जिसके अंदर विकारी भाव नहीं रहेगा वो नग्न व्यक्ति को देख कर भी विकार उत्पन्न करेगा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा ज्ञान का अभाव होने से सोचा कि देखते हैं कैसा क्या है, पर पूर्वोत्तर देखा जाए तो सरल स्वामी लोग हैं, जो बात कह देते हैं उसको फिर करते हैं, या तो कहते नहीं है और कह दिया तो फिर बात को पूरी इसको पालते हैं। ज्यादा अंदर मायाचारी छल कपट नहीं है, सीधे साधे लोग यहाँ पर रहते हैं। बस ज्ञान का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, इसलिए साधुओं को यहाँ विहार करने में कष्ट होता है। ये तो बात आपने कही बिहार के बारे। अब यहाँ पर आप जैसे कि पहले नलवाड़ी में आपने चतुर्मास किया और कल डिब्रूगढ़ में सानंद जो चतुर्मास का जो समापन है वो कल हुआ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कलश वितरण किए गए, पिछिका परिवर्तन किए गए। हम आज आपका इस छोटा सा आपसे संवाद कर रहे हैं डिब्रूगढ़ में। हम डिब्रूगढ़ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो प्रवास रहा आपका उसके बारे में आपके क्या शब्द है। डिब्रूगढ़ में जो चतुर्मास रहा, बड़ा ही ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। इस चतुर्मास को अनेक ऐसे कार्य हुए जो अन्य चतुर्मास में हुए, जैसे गृह संस्कार विधि, लोगों के अंदर अष्टभूमि संस्कार विधि जो अन्य चतुर्मास में के दौरान नहीं हुई थी, इसी चतुर्मास के दौरान हुई। लोगों के अंदर जागृति का आना, धर्म के प्रति जागरूकता, पुरुषों का प्रवचनों में अधिक आना, पुरुषों का आहार क्रिया में अधिक। तो पूर्वोत्तर में देखा जाता है कि महिलाएं ही धर्म के क्षेत्र में आगे रहती हैं। आहार की विधि कहें, चाहे प्रवचन की विधि कहें, चाहे क्लास की विधि कहें, उस क्षेत्र में ही महिलाएं सभी आगे रहती हैं। लेकिन यहाँ जो डिब्रूगढ़ का चतुर्मास जो हुआ है, इस पुरुष वर्ग ने अपनी भूमिका अहम निभाई है। चाहे आहार का समय रहा हो, चाहे अभिषेक का समय रहा हो, चाहे वयोवृत्ति के समय रहा हो, यहाँ तक कि दोपहर की क्लास के समय में भी पुरुषों ने आकर अपनी सेवा देना है। ये डिब्रूगढ़ की विशेषता है इस चतुर्मास की। और दूसरी विशेषता, सरल स्वाभाविक जीव रहे, जो कार्य कहा गया उसको सहज स्वीकार करके उसको अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जैसे कल का प्रोग्राम ही हम कहें, पिछिका परिवर्तन का, बड़े धूमधाम से और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने उसको मनाया, और इससे दूर दूर तक उसकी बड़ी ही तारीफ हो रही है।
ये बहुत अच्छी बात की गुरुवर। जैसे कि अब आपके सानिध्य में आने वाले दिनों में वापस 29 जनवरी से पंचकारणिक प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये भी डिब्रूगढ़ वासियों के लिए एक सपने को साकार है। बहुत सालों से जिसकी कल्पना की जा रही थी कि वहाँ की जो ऊपर की वेदी की प्रतिमा है वो छोटी है, इसके पहले भी माताओं का समागम हुआ लेकिन वो नहीं हो पाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस देश में, जिस काल से, जिस विधान से, जिसका जैसा होना लिखी है वो वैसे होती है। सबके अपने अपने नियोग होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, जब तक नियोग नहीं होता, जिसके हाथ से जिस चीज का नियोग है वो व्यक्ति कार्य उसी के हाथ से होगा। शेष लोग आएंगे, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके घर के काम भी होते हैं, आपके व्यापार काम होते हैं कि कोई नहीं करवा पाता, फिर एक व्यक्ति कहता है लो मैं करवा के देता हूँ और वो आपका काम करवा देता है। सही बात। आप कहते हैं देखो कितने दिन से परेशान उड़ते और आपके द्वारा काम, तो उसके हाथ से उस कार्य का नियोग लिखा था। ऐसे ही भगवान का विराजमान का जो नियोग था 200 सालों से लगा हुआ था कि होना है होना है, सबके मन में तो था होना होना है, लेकिन फिर भी मन नहीं मिल पा रहे थे। हमारे आने के बाद एक बार बोलने से सबने हाँ भर दी और कार्यक्रम चालू हुआ। ये इसका अर्थ था कि वो नियोग हमारे हाथ से होना था, तो समाज के सब लोगों का मानस एक साथ एक सा बन गया, एक सा बनने से एक कार्य अपना हो गया। तो नियोग की बात है, किसके साथ किसका नियोग जुड़ा है, जिसके साथ जिसका नियोग होता है। एक व्यक्ति को नहीं पता होता शादी कहाँ होगी, लेकिन देखो नियोग होता है तो कोई विदेश से लड़की लेके आ जाता है। सही बात। कोई नेपाल से, कोई भूटान से आ जाता है, नियोग है उसका। तो जिसका नियोग होता है कोई लड़की यहाँ की विदेश चली जाती। गुरु, आपने काफी पुस्तकों का अध्ययन किया है, आप सदैव लोगों को अपनी प्रवचनों के माध्यम से सच्ची जीने की राह दिखाते हैं। हमने भी आपके प्रवचन सुने, आप जो बात कहते हैं लगता है कि वो हमारे ऊपर है, लगता है कि हमारे साथ जीवन में वो घटना घट रही है। आप जीवन की वास्तविकता बताते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को, हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को देखें, उनको आप जीवन के कुछ ऐसे नियम बताएं या इन इन बातों पर ध्यान देने के बताएं, ताकि उनका जीवन बड़ी सादगी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आगे बढ़े। बहुत अच्छे आपने पीछे किया। जीवन जीने की कलाएं हमने कई बार पुस्तकों में सब में पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल वो काम नहीं आते। प्रैक्टिकल अनुभव काम में आता है। अच्छा। किताबों का ज्ञान किताबों में रहता है, किताबों में लिखा था पानी बरसे तो छत्ता लगा लेना, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि तेज हवा आए और पानी बरसे तो क्या करना चाहिए। अच्छा। वहां पर छत्ता काम नहीं, वहां तो परिस्थिति ऐसी कि आपको एक हाथ से छत्ता पकड़ना और एक हाथ से लगाना, वैसे आपको एक छत्ता पकड़ना हाथ से, लेकिन जब पानी बरस रहा है हवा भी चल रही तो आपको एक हाथ से छत्ता ही पकड़ना पड़ेगा, उसका वो भी उड़ ना जाए, टीढ़ा ना हो जाए कुछ। तो अनुभव का ज्ञान और किताब का ज्ञान भिन्न है। और अनुभव का ज्ञान कहें तो सबसे पहला ज्ञान ये है अनुभव का कि किसी भी बात को खींचो मत ज्यादा, किसी भी बात को ज्यादा ना खींचे, उसको छोड़ दें समय पर। जैसे कष्ट संकट आ गया, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया तो आप उसे 24 घंटे सोचो मत। अच्छा। अब उसे थोड़ा समय दे दो, उसने कहती मैं तुमसे नहीं मिलूंगा आज से, मेरे को बात मत करना। अब आप बार बार उसे फोन कर रहे हो, बार बार उसे मिलने का प्रयास कर रहे, नहीं एक दो बार प्रयास किया उससे यदि उसने वो फिर भी अपना नहीं, तो उसे थोड़ा समय दे दो। ठीक। गुस्सा ठंडा होगा, कथा ठंडी होगी, तो अपने आप वो फिर से दोबारा से सोचेगा। जब तक गुस्सा रहेगा ना वो एक ही चीज पे अड़ा रहेगा, नहीं मुझे करने नहीं बात। जब उसका एक दो दिन दे दोगे उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अरे यार सब फोन आ रहा है, एक बार उठा के बात तो कर ले रहा हूँ। अब अनुभव की चीज है कि किसी बात को समय पे छोड़ दो, ज्यादा मत खींचो। एक बार प्रसाद करो समझाने का, दो बार प्रसाद करो, अब आपको लगे कि नहीं अब ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं, वो मानने तैयार नहीं है, और उस बात को छोड़ दो, थोड़ा समय दो। समय सब समस्याओं का समाधान है। कोई भी कितनी सी बड़ी बड़ी समस्या, बड़े बड़े से बातें सब समय पर अपने आप भूल डाल देती है। गड्ढा भर दो, भर सकते हो, नहीं भर सकते तो गड्ढे को छोड़ दो, अपने आप मट्टी धूल हवा आएगी चलेगी धीरे धीरे, एक समय वो गड्ढा भर जाएगा। आपकी सामर्थ्य गड्ढा है तो भर सकते हो सामर्थ्य हो तो, और सामर्थ्य नहीं है तो आप रो मत, गड्ढा कैसे रहे, छोड़ दो समय पर। बरसात होगी, पानी बरसेगा, पानी बहेगा, उस समय मिट्टी आएगी धीरे धीरे, वो गड्ढे में जाएगी और एक समय से गड्ढा पूरा भर जाए, भर जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो समय पे छोड़ना सीखे। दूसरी बात, क्रोध पर नियंत्रण करना सीखे। क्रोध पर, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु हमारा है क्रोध। हम अच्छे बने बुने काय को क्रोध में नष्ट कर देते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो उस समय अपने आप को कंट्रोल करना सीखो,
सभा लगी हुई है या हजारों लोग आपके सामने हैं और उस आने वाले दूसरे गलती कर दी, यदि आप उससे उससे चिल्ला बैठे तो आप हजारों लोगों के सामने अपनी छवि गिरा दिए। अब तुम हजार तुम अब सोने के से भी हो जाओगे ना, वे हजार लोग आपकी छवि अपनी तो आंख बैसा रखे हैं, अब तुम कहे वो तो गुस्से करते हैं। सही बात है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, जबकि जब हम सामाजिक सभा में हों तो अच्छा किसी बहुत सारे लोगों के बीच में हो उस समय क्रोध पर निर्णय करना चाहिए, उन लोगों के अंदर हमारी जो छवि बन जाएगी वे तो चले जाएंगे देख के, हम एक एक को कैसे कैसे जाएंगे, भाई हमारी गलती नहीं थी, हम उस समय ये हो गया था, उनके अंदर छवि बन जाएगी नहीं बहुत गुस्सा करते। दूसरा कि सामूहिक स्थानों पर सामूहिक सभा में अपने गुस्से पर नियंत्रण करें, पर्सनल किसी से किया तो उसको बाद में क्षमा मांग के कर भी देंगे भैया। सही बात है, अब सामने हम किस किस से क्षमा मांगेंगे। सही बात है, तो दूसरे अनुभव की चीज है कि अपने गुस्से पर सामूहिक स्थानों पर नियंत्रण नहीं करें। जैसे हम गुरु जी समझाते थे किसी ने 10 किलोमीटर करके 12 किलोमीटर चला लिया, अब तुम सभा में जाके उन्हें बैठा दिया और माइक लगा दिया, अब तुम चिल्ला रहे हो तुमको इतना देर इतना क्यों चला दे, अब भैया 12 चल तो ले ही हो, तुम्हें तो कह रहे थे महाराज कितने महान है 12 किलोमीटर चल लिए, अब तुमने आके स्टेज पे गुस्सा कर दिया, फिर कहते महाराज जी कितना गुस्सा कर, अब वो 5 मिनट और शांति से बैठ जाते तो भाई भाई होती, देखो महाराज 12 किलोमीटर चल, तो सामूहिक स्थान पर कभी गुस्सा नहीं करें। ये दूसरी सीख, पहली सीख समय देना सीखो, दूसरी सामूहिक स्थान पर, तीसरी चीज हर बात का उत्तर नहीं देना चाहिए, हर बात का उत्तर नहीं देना चाहिए, कुछ बातें सुन के छोड़ देना चाहिए, ठीक है, समय देखकर बोलना चाहिए, मतलब हर बात को उत्तर देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप क्लियर करो हाँ या ना, अभी उत्तर दो देखते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको उत्तर नहीं देने में फायदा है, देने में या तो अपन फंसेंगे नहीं तो सामने वाला फंसेगा, सामने वाला फंसेगा, तो दोनों में जब ऐसी स्थिति हो तो बहुत सारी बातों को आप इग्नोर कर दें, उत्तर ही ना दें, उत्तर नहीं देना ही उसका उत्तर देना है, उत्तर नहीं देना ही उसका उत्तर देना है, इसलिए सभी बातों को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, जितना कम उत्तर दें उतना बढ़िया, कुछ सुन के रह जाओ, हमारे गुरु जी हर बात को उत्तर नहीं देते थे, जो देना दिया नहीं तो सुन के तुम कितना ही बोलते रहो देने नहीं उनको, पता है कि इसको हम इसका उत्तर देंगे सानवाल फिर से इस पर प्रतिप्रश्न करेगा, वो संतुष्ट होगा नहीं हमसे, प्रतिप्रश्न करेगा ही करेगा पक्का ही है, इसलिए एक पेश बढ़ते रहे, ये तीसरे अनुभव की चीज है। चौथा किसी भी स्थान पर ज्यादा समय मत टिको, किसी भी स्थान पर ज्यादा समय मत रहो, अच्छा जल्दी से स्थान परिवर्तन करते रहो, क्योंकि एक समय स्थान पर लंबे समय रहने से राग द्वेष बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि स्वतः ही है मानव प्रकृति है, यदि उसके अनुकूल काम होता है तो अपना मानता है, उसके प्रतिकूल काम होता है उसको बुरा मानता है, उसे व्यक्ति के अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है, उसकी अच्छाई बुराई से मतलब नहीं है, व्यक्ति की व्यक्ति कितना अच्छा है उससे इससे मतलब नहीं है, उसके अनुकूल काम किया उस व्यक्ति ने तो ठीक है, ठीक है, और उसके अनुकूल काम नहीं किया ना तो ठीक नहीं है, चाहे तुम सोने के रहो, भगवान के पास ही व्यक्ति जाता है वो भगवान से तो कहता है भगवान मेरे घर की सब बीमारी ठीक हो जाए रोग छूट गए और उसके ठीक हो गए तो भगवान बड़े चमत्कारी है, और प्रार्थना करा और घर वाला मर ही गया वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ तो आज से भगवान को नहीं मानूंगा, तस्वीर फोड़ देता है तोड़ देता है, होता है ऐसा, तो लंबे समय का परिचय जो रहता है ना तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, अपेक्षाएं बढ़ा देता है, और अपेक्षाएं जहां बढ़े तो दुख बढ़ा, इस लोगों की अपेक्षाएं बढ़े उससे पहले उनको छोड़ दो आगे बढ़ो, इसलिए सरकारी नियम में भी 3 साल बाद उनका तबादला होगा, हाँ, इसलिए तबादला अभी तुम ज्यादा मिल जाओगे तो फिर तुम घोटाला करो ये अपना मतलब ये बहुत जीवन के ये अनुभवी सूत्र है, अनुभवी सूत्र है, पानी बहता रहेगा तो स्वच्छ रहेगा, एक जगह रुक जाएगा तो सड़ जाएगा, पानी निकलता रहता है, देखो कुओं में से पानी निकलता रहता है, नदियों से पानी निकलता है तो मीठा बना रहता है, समुद्रों से पानी निकलता नहीं है तो खारा हो जाता है, जहां से पानी बहता रहेगा वो मीठा बना रहेगा, और जहां पानी रुका गड्ढे में पानी रुक जाता है 4 दिन बाद सड़ जाता है, बस हाँ बस तालाब कौन देखें थोड़े छोटे बस, इसलिए रुको नहीं चलते रहो,
चलते रहो। गाड़ी चलती रहती है तो अच्छी बनी रहती है, और जहाँ गाड़ी रुक गई कुछ दिनों, ज्यादा समय 2-4 महीना गाड़ी को आपने चलाया नहीं, बैटरी खराब हो जाती है। ये अपना जीवन के सूत्र है, इनको यदि अपन समझेंगे तो अपन जीवन में निश्चय सफलता प्राप्त करेंगे। ये थे मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से अपने पूर्वांचल के इस आगमन के बारे में हम लोगों को बताया, और साथ ही साथ जीवन को सही जीने के लिए जो उन्होंने अपने मंत्र दिए हैं, जो उन्होंने अपने शब्दों का भावनाओं से व्यक्त किए, अगर हम उसको वास्तव में अगर अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी और हंसमुख रहेगा। हम गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन करते हैं, और गुरुवर इसी तरह धर्म की गंगा, धर्म का परचम लहराते रहे, और अपने ज्ञान से हम जैसे भक्तों को उनको जीने की सही राह दिखाते रहें, हम इसी कामना करते हैं।